हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मानसून की बारिशें शायद एंजॉय कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा चार परफ्यूम फ्रॉम द नीश लाइन अंडर द ब्रांड नेम एफ ए पेरिस फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड आई एम श्योर कि आप सब लोग इस ब्रांड के बारे में जानते होंगे, हाउस के बारे में। दुबई बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत से ज़बरदस्त किस्म के क्लोन्स बनाते हैं मशहूर परफ्यूम्स के, और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों का ही एक ब्रांड है एफ ए पेरिस के नाम से। काफ़ी प्रोडक्ट्स इनके एफ ए पेरिस के नाम से इनकी शॉप पे आते हैं, और अंडर द ब्रांड नेम एफ ए पेरिस इन्होंने रिसेंटली एक कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स एक लाइन लॉन्च की है जिसका नाम है नीश। और नीश लाइन में चार परफ्यूम्स हैं और आज हम उन चारों परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह पहले प्रेजेंटेशन की बात करेंगे और फिर मैं आपको इनकी खुशबू के बारे में बताऊंगा, और हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कैसी है, कितना सिमिलर DNA है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और सबसे पहले प्रेजेंटेशन। तो ये परफ्यूम आपको मिलते हैं इस तरह के एक राउंड बॉक्स में। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो काफ़ी सारे परफ्यूम्स की आपको याद आएगी। सस्ते में शालिस एक ब्रांड आता है, उसके परफ्यूम इस तरह के बॉक्सेस में आते हैं, टीन के बॉक्सेस में। उसके अलावा अगर अल्ट्रा मेल JPG जीन पॉल गोल्टियर के अगर आप परफ्यूम देखें तो वो भी इसी तरह के डब्बे में आते हैं। तो ये एक राउंड बैरल शेप बॉक्स है। मटीरियल जो है मिक्स ऑफ हार्ड पेपर और मेटल, कभी लगता है जैसे मेटल है कभी, लेकिन साउंड से इट साउंड्स लाइक कि कोई गत्ता है, बट इट्स वेरी सॉलिड। प्रिंगल्स का जो डब्बा होता है उस टाइप का यहाँ पर ये बॉक्स है, लेकिन ये जो इसका टॉप पार्ट है, ऊपर ये जो लिड है इसका, ये मेटल का है, और इसको खोलने के लिए आपको जब आप इसे पुल करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाता है, और फिर यहाँ पर आपको मिलती है आपके परफ्यूम की एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉटल। और अगर बॉटल की बात करें तो इसे भी निकाल के रखी थी, हियर वी गो। तो ये आपको इस तरह की खूबसूरत बॉटल में मिलता है। बॉटल राउंड बैरल शेप में है जिसपे एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन डिटेलिंग है, फ्लोरल का डिज़ाइन है, परफ्यूम का नाम मिलता है यहाँ पे आपको, और इसके ऊपर जो बॉटल पे जो पेंट हुआ हुआ है, इट्स एन ओपेक बॉटल, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको इसमें जूस का लेवल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। प्रेजेंटेशन चारों परफ्यूम्स की सेम है, सिर्फ कलर का इसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर इस पर एक क्रोमिक ग्रीन कलर का यहाँ पर इस पर कोटिंग है इस बॉटल पे खासकर, और ये जो परफ्यूम है इसका नाम है द नाइट। तो ये हमारा पहला परफ्यूम जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉक्स का कलर टर्कोइज है, और बॉटल पे भी डार्क टर्कोइज क्रोमिक शर्ट कैसे पूरा पेंट है। अगर मैं कैप की बात करूं तो कैप मेटल का और बहुत हैवी है, बॉटल भी बहुत हैवी है, कम से कम आधे किलो की ये बॉटल होगी। और ये थी प्रेजेंटेशन, और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अगर इसका मैं आपको स्प्रेयर दिखाऊं, सो हियर वी गो। स्प्रेयर अच्छा है, बुरा नहीं है, इट्स नाइस। और अगर मैं परफ्यूम की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नाइट, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्लोन है फ्रेडरिक मॉल के दी नाइट का। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ उसको स्मेल करते ही माइंड में आती है वो है द क्वालिटी ऑफ जूस, द ब्लेंडिंग ऑफ जूस विच इज़ रियली 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 नाइस। उन्होंने इस लाइन का नाम नीश ऐसे ही नहीं रखा, दिस इज़ रियली यू कैन से ऑलमोस्ट नीश क्वालिटी ऑफ जूस। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग, कोई हार्श एजिस नहीं है, कोई शार्पनेस नहीं है, कोई इसके अंदर आपको चीप फील नहीं आएगी, कोई आपको इसमें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फीलिंग नहीं आएगी, वेरी वेल ब्लेंडेड प्रोडक्ट। और अगर इसकी खुशबू की बात करूँ तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फ्रेडरिक मॉल का जो द नाइट परफ्यूम है, दैट्स बेसिकली अ कॉम्बो ऑफ ऊद रोज एंड एम्बर। इट्स मेनली अबाउट थोड़ा सा एनिमेलिक ऊद है, साथ कुछ स्पाइसी एम्बर है, और फिर बीच में उसको बैलेंस करने के लिए एक स्वीट रोज है। रोज़ बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है बट पूरी कंपोजिशन को थोड़ा बैलेंस कर देता है। DNA की अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो फ्रेडरिक मॉल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाउस, और इनके तकरीबन परफ्यूम्स मैंने टेस्ट किए हुए हैं एंड मुझे ज़ुबानी याद है मेरे दिमाग में। तो यहाँ पर जो DNA है इट्स वेरी सिमिलर, यू कैन से 85-90% सिमिलर DNA है। आपको खुशबू वही मिलेगी, सिर्फ ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और डेफिनेटली इसमें यहाँ पे डेप्थ
आपको वैसी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा लैक करता है डेप्थ में, लेकिन अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ जूस और एवरीथिंग इज रियली ग्रेट हियर। और आप अगर इसकी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज़ पे कोई कंप्लेन बनती ही नहीं है, क्योंकि जो इस परफ्यूम की प्राइस है वो फ्रेडरिक मॉल की प्राइस की फ्रैक्शन भी नहीं है। इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी चीप। और खुशबू ब्लेंडिंग इस तरह की खूबसूरत ब्लेंडिंग और ऐसी अच्छी क्वालिटी के साथ अगर आपको इतना सिमिलर डीएनए मिलता है तो यू आर ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन। तो ये एक्सट्रैक्ट देयर परफ्यूम की यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन मिलती है और 60 ml में ये परफ्यूम आपको मिलेगा। जो इसकी क्वांटिटी है वो है 60 ml और जो इसकी प्राइस है यूएई में वो है तकरीबन 80 दिरहम के आसपास रिटेल प्राइस। सो 80 दिरहम में 60 ml ऑफ जूस इस क्वालिटी का आई थिंक इट्स रियली अ गुड डील। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप फ्रेडरिक मॉल द नाइट का कोई क्लोन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आएगा। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग, स्मूथनेस, ऑल गुड। तो ये था द नाइट और चले अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। तो लेट मी शो यू द बॉक्स हेयर फर्स्ट। तो ये है हमारे पास नंबर दो पे द प्रॉमिस, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये ग्रीन कलर में है, लाइट और ग्रीन कलर में। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल, और बॉटल का भी कलर यहाँ पे फिर सेम डिज़ाइन, हर चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पर नाम मिलेगा आपको परफ्यूम का द प्रॉमिस, और वही क्रोमिक हिना का कलर, जो मेहंदी का डार्क, जो कच्ची मेहंदी का जो पाउडर होता है, आपको उस तरह की इस पर पूरी कोटिंग मिलेगी। तो नाम से आप लोगों ने एकदम गेस करने की कोशिश की होगी कि ये भी फ्रेडरिक मॉल द प्रॉमिस का शायद क्लोन होगा, बट नो, हियर इज द कैच, ये क्लोन है अहमद अल मगरबी के बिदून इस्म का। मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है बिदून इस्म का, मैं ऊपर कहीं यहाँ लिंक डाल दूंगा, वरना मेरे चैनल पे सर्च करके भी वो रिव्यू पूरा देख सकते हैं डिटेल में, अगर आपको देखना कि वो कैसी खुशबू है, कैसा वो परफ्यूम स्मेल करता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लोन किया है बिदून इस्म को फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों को इस परफ्यूम को क्लोन करने की, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी इकोनॉमिकल, वेरी अफोर्डेबल, 40 या 50 ml आपको 50 दिरहम के आसपास मिलता है ओरिजिनल परफ्यूम। सो इतनी हेडेक लेके इसको क्लोन क्यों किया गया, रियली आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया। मैं सफ़ीर भाई से पूछूंगा ज़रूर इस रिव्यू के बाद उन्हें कॉल करके कि यार ये आपने इसको क्यों क्लोन किया है। जूस क्वालिटी इज इक्वली गुड, मुझे दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम, आई मीन बिदून इस्म। तो इक्वली गुड, सेम डी एन ए ऑलमोस्ट, और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे 40 या 50 ml आपको 55 में मिलता है, यहाँ पे 60 ml आपको ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 80 दिरहम के आसपास मिल रहा है। तो प्राइस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आई कैन से कि अगर आपको ओरिजिनल कहीं पे अवेलेबल ना हो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन। एक दफ़ा फिर क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज गुड, क्वालिटी आला है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये था द प्रॉमिस और यू कैन से बिदून इस्म। और अगर उसकी खुशबू की बात करें तो बिदून इस्म इज लाइक यू कैन इन शॉर्ट सिट्रसी और मस्की, वाइट मस्की ब्लेंड है, कॉम्बो है, बड़ा रिफ्रेशिंग है, और बीच में उसमें कहीं हल्के हल्के लेदर के नुएंसेस आते हैं, जो कि इसमें थोड़ा सा लेदर कम है, लेकिन अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो अगर आपको ये अवेलेबल हो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अहमद अल मगरबी कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन, द प्रॉमिस फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। एक दफा फिर 60 ml की वही प्राइस है 80 UAE dirhams। और चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और यहाँ पर है हमारे पास द शेडो। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पर्पलिश ग्रेश कलर का ये बॉक्स है, और इसकी बॉटल भी जो है वो भी एक दफ़ा उस पर भी वैसी ही क्रोमिक कोटिंग है पर्पलिश से कलर की, और यहाँ पे आपको नाम मिलेगा द शेडो। और अगर द शेडो की बात करें तो चलें जिसको स्प्रे कर लेते हैं, एंड हियर वी गो, बहुत स्मूथ और ब्यूटीफुल ब्लेंड है। और अगर इसकी खुशबू की मैं बात करूँ तो ये क्लोन है लुई विटों के उम्र नुमाद का। उम्र नुमाद एक दफा फिर बहुत ही महंगा परफ्यूम है, और यहाँ पर तकरीबन आपको सेम डीएनए मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पर जो फ़र्क वो ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटर साइड में है। अगर उम्र नुमाद की बात करें तो उम्र नुमाद भी एक ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, ऊद रोज़ का कॉम्बो है, फिर आपको इस पर थोड़ी इंसेंस मिलती है, और एक बड़ा ही मीठा सा आपको इसमें नोट मिलता है रेस्बेरी का, उसके साथ आपको यहाँ पर सैफ्रन, बेंजोइन वगैरह, एम्बरवुड के इस तरह के
नोट मिलते हैं इसकी बेस में. सो स्वीट वुडी लिटिल बिट फ्रूटी और ऊदी काइंड ऑफ कंकोक्शन. काफ़ी मशहूर डीएनए है, काफ़ी लोगों ने इसको कॉपी किया है. बट हेयर द क्वालिटी इज सो गुड. यहाँ पे आपको बहुत ही इसकी प्यारी क्वालिटी मिलती है. रियली अ वेरी नाइस रेंडिशन ऑफ द ओरिजिनल डीएनए. एज आई टोल्ड यू 85-90% सिमिलर है. एक दफ़ा फिर ये ओरिजिनल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल ट्राई किया हुआ है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. उतनी थोड़ी सी डेप्थ, थोड़ी सी लैक यहाँ पे करती है. इतना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है. 19-20 का फ़र्क होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों परफ्यूम्स की. यहाँ भी कीमत वही है, 80 दिरहम्स फॉर 60 ml, और क्वालिटी ब्लेंडिंग इज़ वेरी नाइस. खूबसूरत सेंट, बहुत ही प्यारा सेंट है. और अगर आप LV ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर आपको चेक करना है कि उसका DNA या उसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, तो आप द शेडो ट्राई कर सकते हैं. अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. और चले अब जंप करते हैं अपने आखिरी परफ्यूम पे, विच इज द स्टार ऑफ द शो. और ये है द फायर. और यहाँ पे मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि नीश नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं फायर. और ये है हमारे पास द फायर फ्रॉम द नीश लाइन ऑफ FA पेरिस. तो ये बॉक्स भी यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत क्रिम्सन रेड कलर का बॉक्स है, विद गोल्डन इसके ऊपर डिज़ाइन है. और बॉटल भी बहुत ही खूबसूरत क्रिम्सन रेड क्रोमिक कलर की बॉटल है. और इस परफ्यूम की अगर बात करूं तो ये एक यूनिक आइटम है, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने जो परफ्यूम यहाँ पे क्लोन किया है, वो मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, अभी तक किसी हाउस ने भी इस परफ्यूम को अटेम्प्ट नहीं किया, कॉपी नहीं किया, या अगर किया भी होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है. और ये क्लोन है एक दफा फिर LV लुई विटों के नुइड दी फ्यू का. और बड़ा ही एक यूनिक और पोलराइजिंग सेंट है, हर किसी के लिए नहीं है. ये ऐसा सेंट है कि यहाँ तो आप इसे हेट करोगे, यहाँ आप इसे लव करोगे. अगर आपको पसंद आए तो फिर आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आपको बुरा लगेगा तो आपको ये बहुत ही बुरा लगेगा. इसमें कुछ ग्रे एरिया इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ही यूनिक, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, डार्क, एग्जॉटिक, और बहुत आप समझ लें कि एक अतरंगी टाइप का ये परफ्यूम है. और मैंने इसका ओरिजिनल सिर्फ एक दफ़ा ट्राई किया था, क्योंकि LV के परफ्यूम्स इजीली अवेलेबल होते नहीं हैं कहीं शॉप पे हों भी, तो वो आपको खोल के टेस्ट नहीं करवा सकते. तो LV का स्टोर है दुबई में, मॉल ऑफ इमिरेट्स में. तो मैं 3-4 साल पहले वहाँ एक दफ़ा गया था, तो मैं LV की शॉप में मैंने ये इनका परफ्यूम ट्राई किया था. वो लेडी वहाँ पर टेस्टिंग करवाती थी बाई चांस, हालाँकि LV कभी भी ऐसा नहीं करते, बट आई डोंट नो कुछ प्रमोशन चल रहा था या क्या था. तो वहाँ पे शॉप में जैसे मैं वहाँ से उसके पास से गुजरा, तो उसने मुझे ये स्ट्रिप इस तरह की एक स्प्रे करके दे दी थी. तो फ्रॉम द मेमोरी आई कैन टेल यू कि यहाँ स्प्रे किया हुआ है. वंस अगेन बहुत ही क्लोज DNA है ओरिजिनल के, 80-85% सिमिलर है. एक दफ़ा फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वैसी थोड़ी सी डेप्थ में लैक करता है, बट द क्वालिटी इज सो गुड. इसकी अगर खुशबू की बात करें तो जैसे मैंने बताया, बड़ी अतरंगी खुशबू है. तो इसमें भी आपको एक दफ़ा फिर ऊद मिलता है, LV स्टाइल ऊद. लुई विटों का एक अपना एक ऊद का उनका एकॉर्ड है, जो उनके जितने भी ऊद के जो उनके हैं परफ्यूम्स, पर ऊद हो गया, या जैसे हमने पहले इसकी बात की थी द शेडो में उमर नुमाद की, तो उनका एक स्टाइल है अपना ऊद यूज़ करने का. और इसमें भी आपको उसी टाइप का ऊद मिलता है. यहाँ पे उस ऊद के साथ आपको मिलता है इंसेंस का नोट, स्मोकीनेस है यहाँ पे. उसके बाद आपको यहाँ पे एक लेदरी नोट भी मिलता है, बड़ा शार्प सा एनिमलिक टाइप सा ये टाइप का ये परफ्यूम है. इट्स रियली यूनिक. और मुझे क्योंकि थोड़े से इस तरह के नीश टाइप परफ्यूम्स पसंद हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट, थोड़े से हट के हों वैसे परफ्यूम्स पसंद हैं, तो फॉर मी दिस इज़ रियली द फायर. और अगर आप लोग भी नीश टाइप की कंपोजिशन आपको पसंद है, आप ये डिफ़िकल्ट, थोड़े अतरंगी, थोड़े ऐसे ख़तरनाक किस्म के परफ्यूम अगर आप पसंद करते हैं, तो इसको ट्राई करें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा. और अगर आपको ये परफ्यूम चाहिए था नुइड दी फ्यू, और आप के बजट में नहीं आ रहा, या अगर आपको DNA टेस्ट करना है इसका सेंट प्रोफाइल टेस्ट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्राई इट आउट द फायर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड. तो
आप ट्राई कर सकते हैं, रियली नाइस प्रोडक्ट, एक बड़ा ही एनिमेलिक जिसमें लेदर है, एक बड़ा एनिमेलिक टाइप का इसमें लेदर है। तो ये था हमारा रिव्यू, और अगर इसकी इनकी लास्टिंग वगैरह की बात करूँ तो 7 से 8 घंटे की तकरीबन ये सारे परफ्यूम आपको लास्टिंग कम अज़ कम दे देते हैं। आप अगर अच्छे से स्प्रे करेंगे अपने ड्रेस पे, फैब्रिक पे, या स्किन पे भी लगाएं, फैब्रिक पे भी लगाएं, तो ये आपको 7-8 घंटे की मिनिमम दे देंगे। नेक्स्ट डे भी आपके कपड़ों से स्मेल आती रहती है इसकी, लेकिन जो एक सॉलिड परफॉर्मेंस होती है वो 7 से 8 घंटे की आपको इनसे ईजिली मिल जाती है। क्वालिटी इज़ गुड, ब्लेंडिंग इज़ गुड, बहुत स्मूथ हैं चारों परफ्यूम, यू कैन से लाइक यूनिसेक्स टाइप हैं, थोड़े से लीन करते हैं जेंट्स की तरफ ज़्यादा, लेकिन लेडीज़ भी ट्राई कर सकती हैं। LV के परफ्यूम आपको पता है कि यूनिसेक्स टाइप में ही वो लोग बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ को ऊद पसंद नहीं होता, तो वहाँ पे शायद कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से थोड़े यूनिसेक्स हैं, लेकिन थोड़े लीन करते हैं जेंट्स की तरफ। एज ग्रुप में मैच्योर ऑडियंस के लिए ये परफ्यूम्स हैं, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है, सिवाय द प्रॉमिस जो कि बिदून इस्म का क्लोन है। उसके अलावा ये सारे जो हैं थोड़े से मैच्योर लोगों के लिए हैं, और बाकी नीच क्लास सेंट्स हैं, तो आप किसी स्पेशल ओकेजन पे इनको लगा सकते हैं कभी भी। मौसम मोस्टली दे विल वर्क इन द विंटर, ठंडे मौसम में। तो प्राइस आपके मैं बता चुका हूँ, 60 ml एक्सट्रे दे परफॉर्म कंस्ट्रक्शन के साथ 80 dirham के आसपास इनकी यहाँ पे UAE की प्राइस है। अपनी कंट्री के हिसाब से आप लोग ऑनलाइन चेक कर लें कि कौन वहाँ पे सेल कर रहा है आपकी कंट्री में। इंडिया में आई थिंक आशीष भाई डील करते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड को, तो वहाँ से आपको इनकी प्राइजेस मिल जाएंगी, उनके पास अवेलेबल हैं। और बाकी आप लोग जिस भी कंट्री में हैं, यू कैन चेक इट आउट, गूगल कर लें और आपको मिल जाएंगे। तो ये था रिव्यू हमारा आज का अबाउट द नीच कलेक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड अंडर देयर ब्रांड FA पेरिस। उम्मीद है पसंद आया होगा, कोशिश की आपको शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ सारे परफ्यूम्स की, ताकि आपको फ्यूचर में परचेजिंग में हेल्प करे। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।